कराची में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं की मुबैना फायरिंग से मेडिकल की तलबा शदीद जख्मी होकर अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकाबले के बाद दोनों डाकुओं को मार गिराया। मुकाबले में एक डाकू मौके पर हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। जख्मी डाकू भी अस्पताल में जान की बाजी हार गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक दोनों डाकू अंडा मोड़ के करीब लूट मार में मसरूफ थे कि पुलिस ने मौके पर पहुँच कर गोलियाँ चला दी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो दो लड़के मोबाइल पे जो है यहाँ पे खड़े हुए कुछ स्नैचिंग कर रहे थे। अच्छा, वो लड़की चीखी तो उन्होंने उस पर फायर मारा। अच्छा, पे आ रहे थे दो जवान आपके शारा नूर जहाँ के। अच्छा, उन्होंने स्ट्रेट फायर मारा तो वो जाके यहाँ गिरे हैं, वो इस पट्टी में डकैत गिरे हैं। अच्छा, फिर आपकी मोबाइल आई तो दोनों को उसमें डाला, तो उस टाइम एक डकैत जो है वो थोड़ा सा उसने सांसें ले ली। जहाँ बहक लड़की निमरा के मामू ने डाकुओं की फायरिंग से भांजी की हलाकत पर शक का इजहार करते हुए पोस्टमार्टम का मुतालबा किया। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर के मुताबिक निमरा के सर पर 2.5 सेंटीमीटर गहरा जख्म पाया गया। डॉक्टर का कहना है कि गोली सर की हड्डी को तोड़ते हुए निकल गई, जिससे दिमाग को नुकसान पहुंचा। बाहर गोली छोटे हथियार की लगती है। गोली का हतमी तायुन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर होगा। एक डाकू को मोहम्मद रियाज के नाम से शनाख्त कर लिया गया।